পুজো পুজো লাগছে। আমি জানাই আপনাদের সবাইকে শারদিয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা। দেখতে থাকুন। डांस जो हमने किया तो उसे कहते हैं धुनोचिना। दुर्गा माँ की जो है पूजा की जाती है हर शाम को, इसे एक तरीके का आरती ही समझिए। शुभ रात्रि। तेरे मुंह में क्या है? तंबाकू। आप तंबाकू तो नहीं चबा रहे? हम पहुंच गए हैं हॉन्सलो सेंट्रल, इज द नियरेस्ट स्टेशन। गए हैं प्रवासी हॉन्सलो, इट्स अ बैंक्वेट हॉल। और इसके बाद हम जा रहे हैं, हाँ, विच इज अगेन अपटन पार्क, जहाँ हमारा फ्रेंड, हाँ हमारा घरवा नहीं है, हमारे घर से पास, और हमारा फ्रेंड मैथ्यू वो भी अपना कॉलेज ख़त्म करके आना चाहता है। तो उसने बोला कि यार इट विल बी फन, क्योंकि वो पहले दुबई में रहता था तो उसने काफ़ी कुछ मिस किया है। बट या चलो फिर लेट्स गो इन वहाँ। पौने 6 बज रहे हैं, हम यहाँ से निकलते हैं एंड वापस अपटन जाते हैं, ताकि हम कुछ अगर वहाँ पे इवेंट हो मिस ना करें। बट उससे पहले वॉशरूम भी जाना है आफ्ताब, और ज़रा सी पेट पूजा तो मैं करूँगी। आफ्ताब मुझे बहुत डांट रहा है कि मत खाए ऐसे उल्टा सीधा, लेकिन मैं तो, मेरी आँखों की भूख, ज़रा तो खा लूँगी। खाओ खाओ बकासुर खाओ, इतना मीठा कौन खाता है जिंदगी में? आप सब के अलावा सब।
ब्रेकफास्ट किया था, तो हम हॉन्सलो आए हैं, तो साथ में यहाँ आना तो बनता है। चलिए अंदर जाते हैं। तेरा उसका हमेशा कितना लेट ही आता है। क्या मंगाया तूने? इडली। गाइस शाहरुख खान इज बैक। हम वापस आ गए हैं। आते साथ ही हमने शुरू कर दिया है भोग खाना वापस। मेरा तो पेट भर चुका है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है उसको खिलाना जरूरी है। तूने क्या बोला और एक्स्ट्रा देने के लिए? अरे कटो अरे अरे दिए अरे टू दी अरे टू दी। हां शांति शांति शांति। नारायण नारायण। अभी हम निकल रहे हैं, सारा लेट हो गया है, कल भी आना है। सो शब्बा खैर, गुड नाइट फॉर टुनाइट। ओ नहीं, ओ समझा, ओ से आउट है ना? नहीं, रविंद्र संगीत है। संगीत संगीत अपन संगीत बोलते हैं बंगाली में, संगीत बोलते। हम आ गए हैं घर, रात के बज रहे हैं 10। वो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स थे, काफ़ी बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, काफ़ी सारे बड़े भी परफॉर्म कर रहे थे। इट वॉज रियली रियली नाइस, पूरी कम्युनिटी ने मिलकर एक साथ कुछ ना कुछ परफॉर्म किया। इट वॉज़ अमेजिंग। खाना तो बढ़िया होता ही है हर पूजा के पंडाल में, तो वी एंजॉयड दैट एज वेल। पीछे पूरा मैस है, ये कपड़े सूख रहे थे, वो सब निकाले, ये सब चेंज करना है। कल हम मिलते हैं दशमी। कल के लिए जो मेरा अटायर है वो तो रेडी है ही, रेड एंड व्हाइट साड़ी पहनना है, कल है माँ का बोरन। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा दशमी का दिन, तो एज यूजुअल हम जा रहे हैं फिर से। किसके लिए जा रहे? बोरन। बोरन के लिए, दशमी के प्रोसीजर के लिए, जिसमें सिंदूर सिंदूर के साथ लेडीज लोग थोड़ा सा होली टाइप छोटा खेलेंगे, उसके बाद धुनोची डांस होगा और माता जो है उनका विसर्जन भी होगा। यहाँ पे बेसिकली विसर्जन नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे जो माता की जो स्टैचू है उनको जब इंडिया में हम देखते हैं उनको खिलाते हैं तो उनके मतलब मूर्ति पे लगाते हैं, तो यहाँ पे उन लोग वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उन लोग रीयूज करते हैं, लोग विसर्जन नहीं करते। तो इसके लिए वो एक फ्रेम लगाते हैं और आपको जो भी करना है वो माता को फ्रेम में कर दो। यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है विसर्जन के लिए, तो इट्स बेटर कि उन मूर्ति को मतलब खराब नहीं करे, और क्योंकि इंडिया से फिर से मंगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट या ये छोटा सा एक इन्फो था बस यहाँ के लिए। सो देखिए भैया हमारा चल रहा है, रेडी हो रहे हैं हम पिंकी जी को देखिए। विजया दशमी बेसिकली आप सब सोच रहे होंगे कि क्या करते हैं औरतें, क्यों सिंदूर लगाते, क्यों रेड एंड व्हाइट पहनते हैं। तो इट इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस कि आज के दिन जो विसर्जन होता है बंगालीज में, दशहरा जो है विजया दशमी होता है। इसमें प्रोसीजर ऐसा होता है कि जो सुहागन औरतें हैं स्पेशली, बट औरतें भी जो नॉन मैरिड है वो भी पार्ट लेती है, बट ज़्यादातर जो सुहागन औरतें हैं वो दुर्गा माँ को विसर्जित करती है, वो उनकी पूजा करती है, उनकी परिक्रमा करती है, उनको खिलाती है, प्यार से उनकी आरती उतारती है बिफोर दुर्गा माँ का विसर्जन किया जाए। तो ये है प्रोसीजर। और मैं तो बड़ा मरती थी यू नो कि मैं जब शादी करूंगी मैं दशमी में ऐसे रेड एंड व्हाइट साड़ी। ऐसा नहीं कि नहीं पहन सकते हो, आप शादी नहीं हुई है तो भी पहन सकते हो, बट वो शादी के बाद वाला जो शाका पौला वाला जो प्योर लुक है वो सिर्फ और सिर्फ इस साड़ी के साथ और शाका पौला के साथ ही आता है। तो आज मैं एकदम प्योर बंगाली बड़ा सा बन करूंगी। मैंने रेड, मैंने बाल कर्ल कर लिया है, अब बाकी है मेकअप थोड़ा बहुत कर लिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू गेट दीज प्लीट्स टुगेदर। और मम्मी ने ये साड़ी भेजी थी आफ्ताब, और मेरे माप का
ब्लाउज भी परफेक्ट भेजा है, तो ये इतनी मस्त साड़ी आपको मिलती हूँ जब हम रेडी हो जाए और विसर्जन के लिए या दशमी के लिए हम निकलते हैं पंडाल की ओर। हो गई हूँ मैं रेडी, लेकिन मैंने जो है एक लाल बिंदी डाली है, कुछ अलग करना चाहती हूँ। तो मैं इसमें ना, मेरे पास एक व्हाइट आईलाइनर है, ये डालते हैं इसके इर्द गिर्द। मैंने आधा किया आधा बताती हूँ।
शुभ विजया हो गया है एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ये था मेरा विजया दशमी का अटायर। विदा लेती हूँ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय, शुभ विजया।